देखिए मिस्टर रेवन, इंटरफेरेंस न्यूमेरिकल्स जो बेसिक फॉर्मूलाज हमें चाहिए एक बार ज़रा उस पर नज़र मार लीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं वैक्यूम में, जो मीडियम है वो वैक्यूम है। कोई डाउट है सर यहाँ तक? क्योंकि एक और जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला है कि जिसमें इंटरफेरेंस विद ग्लास लैब आती है, तो ये वो वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है। इसमें बेसिक है, एक तो जो मटेरियल है वो वैक्यूम है और दूसरा कोई ग्लास लैब नहीं है, प्लेन वनीला इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसमें जो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल फार्मूला जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि दो सोर्सेज में एट अ पॉइंट एक्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द टू सोर्सेज, ये जो लाइन है यहाँ से ये जो डिस्टेंस एक्स है, तो मेरे पास अगर ये डिस्टेंस एक्स हो, मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्क्रीन डी हो, मेरे पास अगर स्लिट विड्थ हो स्मॉल डी, तो ये जो पाथ डिफरेंस है उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। सर कोई डाउट? मतलब ये तो सर फंडामेंटल है। अब इसके बाद डेरिवेशन होती है, पूरा तामझाम होता है, वो सारा तामझाम हम स्किप कर रहे हैं, पहले बात हो चुकी है। समझ आया? ठीक है, नहीं आया गोली मारो। तीन चार फॉर्मूले याद कर लो। पहला फॉर्मूला देखिए, जो सेंट्रल ब्राइटनेस है सर वो तो बात आई हो चुकी है, वो जो सेंट्रल ब्राइटनेस है वो तो मिडल ऑफ द स्लिट पे होगी, इस पर कोई डाउट तो नहीं है? जब भी कन्फ्यूजन होगी सर, जब भी कन्फ्यूजन होगी आपको ये फोटो याद आनी चाहिए, ये वाली, ये है मेरी सेंट्रल ब्राइटनेस। कोई डाउट सर? ये मेरी सेंट्रल ब्राइटनेस, ये मेरा फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों साइड होगा, ये मेरा फर्स्ट लाइट या ब्राइट, ये मेरा सेकंड डार्क, ये मेरा सेकंड डार्क। सर कोई डाउट? मतलब तो क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे, तो ये वाला जो पैटर्न है ये पैटर्न आपको नजर आएगा ऐसे यहाँ पर। सर मेरी बात समझ आई? ऐसे नजर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैंने बना रहा हूँ, ऐसे नजर आएगा। तो जो मैं सेंट्रल ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ वो ये वाला सेंट्रल ब्राइटनेस है। मेरी बात समझ आएगी सर? तो जब इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल करें, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जब भी डाउट आए तो ये फोटो को याद कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट सर? इसके नीचे ग्राफ भी दिया हुआ है, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो वो ग्राफ भी पढ़ पाएंगे। जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो सेंट्रल ब्राइटनेस आती है। बेटा मेरी बात समझ आएगी? दूसरा जो ब्राइटनेस आएगी वो तब आएगी जब पाथ डिफरेंस आएगा एक लैम्डा का, नहीं समझा सर? उसके बाद की जो ब्राइटनेस आएगी वो तब आएगी जब पाथ डिफरेंस आएगा टू लैम्डा का, ये सर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? आवाज आ रही? और इतना तो हमें पता ही है कि एक लैम्डा कैसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है, तो एक लैम्डा होता किसके इक्वल है? टू पाई के। नहीं समझ आया सर? इसको एक लैम्डा बोल दीजिए, इसको टू पाई बोल दीजिए, इसको क्या बोलिए, टू फोर पाई बोल दीजिए, इसको सिक्स पाई बोल दीजिए। सर यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई डाउट नहीं? नो ओके। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन है, ये वाला जो जो फोटोग्राफ है विद द ग्राफ आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए एकदम। सर कोई डाउट? नो सो मिस्टर रेवन, ये पैटर्न आपको समझ आ गया और ये ग्राफ आपको समझ आ गया? यार ग्राफ नहीं भी समझ आया गोली मारो। सिर्फ ये याद रखो कि ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है। तो जैसे आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा है वैसे आपको राइट में नज़र आएगा, और क्योंकि हम यूजली जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो हम फिगर में ऐसा शो करते हैं, तो ये सेंट्रल ब्राइटनेस है जो कि ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पर आपको नज़र आएगा फर्स्ट ब्राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एक ही बात है। मेरी बात समझ आ रही? जी सर फर्स्ट ब्राइट, और इसके बीच में ये आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट डार्क। याद समझ आ गया? और एक बात याद रखिए फंडामेंटल इंटरफेरेंस में, एक बात बिल्कुल याद रखिए कि जो फ्रिंज विड्थ है, चाहे वो डार्क की है चाहे वो लाइट की है, अगर आप देख रहे हैं उसकी जो विड्थ है वो सेम है। सर मेरी बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं? नो अगर आपको ये सारा ज्ञान गणित समझ आ गया तो अब देखिए ये फॉर्मूले, कहाँ के फॉर्मूले, एक सेकेंड। तो सर ये हमारा सेटअप है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये सेंट्रल ब्राइटनेस, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऊपर नीचे आपको सेम नजर आएगा। सर कोई डाउट यहाँ तक? मिस्टर कोई डाउट? ओके। एक बात याद रखिए, जो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट ब्राइट का फॉर्मूला है, फर्स्ट ब्राइट का जो डिस्टेंस है, ये सेंट्रल ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट का जो डिस्टेंस है वो है एन डी लैम्डा बाई डी, और जो सिस्टम जो डिस्टेंस होता है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट होता है। मेरी बात समझे? जो फर्स्ट डार्क है या जो nth डार्क है, nth डार्क है, वो डिफरेंस दिखाने के लिए आपको कैपिटल एक्स और या स्मॉल एक्स है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। सर गुड आउट? मेरा
डेरिवेशन हो चुकी है सर, मैं सिर्फ आपकी गाड़ी चला रहा हूँ कि एक बार न्यूमेरिकल्स कर लीजिए और उसके बाद जाके फिर से डेरिवेशन देखिए, तो वो डेरिवेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। याद रखिए हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जो डी है वो स्लिट विड्थ है, जो ये वाला कैपिटल डी है ये डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन है। सर कोई डाउट? एक बात और याद रखिए, जो डेरिवेशन के टाइम तीन चार अजम्पशंस होती है, वन ऑफ द अजम्पशंस ये होती है कि जो डी है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी। मेरी बात समझ आई? तो सर ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, एक हमारा वो जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो हमने कर लिया। उसके बाद दो छोटे छोटे फॉर्मूले और, पहला फॉर्मूला कि जो लीनियर फ्रिंज विड्थ है उसको डिनोट किया जाता है बीटा से, इसका फॉर्मूला होगा डी लैम्डा बाई डी। सर कोई डाउट? तो लेट अस अज्यूम आपने यहाँ पर जो आपकी ये जो ब्राइट जो सेंट्रल ब्राइट था, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, जो लीनियर विड्थ है, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अच्छा, ये जो विड्थ है ये यहाँ पर एक एंगल बना दे, इसको बोल दिया जाता है, जो वो एंगल बनाएगी उसको बोला जाता है अल्फा, और वो अल्फा को बोल दिया जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सर नहीं समझ में आया? उसके फॉर्मूले, उसके लिए आप वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 11th क्लास का पहला चैप्टर जो हम करते हो कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वेयर थीटा इज इन रेडियन, वो वाला फॉर्मूला लगाया गया। इसमें थीटा अब अल्फा बन चुका है, जो एल है वो फ्रिंज विड्थ है और जो आर है वो ये है। सर कोई डाउट है? ये देखिए आपके सामने क्या होगा, कोई डाउट? यहाँ पर ये बीटा की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से इस बीटा के अंदर डाल दी, तो मेरा फॉर्मूला आ गया ये लैम्डा बाई डी। सर कोई डाउट? पॉइंट है सर, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला और जो फंडामेंटल फॉर्मूला कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। सर कोई डाउट? ये आपका है पांचवा फॉर्मूला, कोई डाउट? तो गाड़ी चलाने के लिए हमें जो इस यहाँ ये जो डेल्टा पी है वो है पाथ डिफरेंस, वो है पाथ डिफरेंस। कौन सा पाथ डिफरेंस? वो पाथ डिफरेंस कैसे बन जाता है, उसी पे जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा इसी से पूरी स्टोरी शुरू होती है। और शुरू कैसे होती है कि यहाँ पर आपको थोड़ा याद होगा डेरिवेशन जब किया था तो ऐसे करके हम शुरू करते हैं कि सर ये S1 है, ये S2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर दिया, तो ये देखो ये वाला जो है ना ये पाथ डिफरेंस है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी ओके। अब सर छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ऐसा तो है नहीं कि बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं। चीज़ इंटरफेरेंस में जो चीज़ तंग करती है वो तंग करती है अंडरस्टैंडिंग, वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी है। फॉर्मूले तो सिंपल है, वैल्यू सिंपल है। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.24 mm, तो डी दिया हुआ है, द स्क्रीन इज 1.2 मीटर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह दिख रहा है। हाँ तो देखिए आंसर भी दिए हैं सारे साथ में। इसमें एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो पता है प्रॉब्लम क्या आती है, वो मिलीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना या सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, वो सिर्फ कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले आपके सामने छोटे छोटे फॉर्मूले। तो स्लिट सेपरेटेड बाय ये जो है ये स्मॉल डी है, द स्क्रीन इज 1.2 मीटर अवे, ये कैपिटल डी है, फ्रिंज विड्थ इज 0, फ्रिंज विड्थ इज 0.3 सेंटीमीटर, ये बीटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो बीटा का फॉर्मूला लगाना मिस्टर जॉन, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको तकलीफ आई भी होगी तो सिर्फ कन्वर्जन में तकलीफ आई होगी, कन्वर्जन में तकलीफ आई होगी, उसके लिए भी एक इलाज है, इसके ना सॉल्यूशन आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। दिख रहा है? पहला पेज थोड़ा सा फेडेड है, मैं ट्राई करता हूँ एक अच्छा स्कैन कर देता हूँ आपको। मेरी बात समझ आई? तो ये सॉल्यूशन सारे नीचे दिए हुए हैं, मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये पीडीएफ आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। फिर से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ इतना है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज रिड्यूस टू हाफ, कैलकुलेट द न्यू फ्रिंज विड्थ। मेरी बात नहीं समझ आई सर? कर पाएंगे या तकलीफ है? हो जाएगा ना? ओके, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी, यहाँ पर वैल्यू डालोगे, फिर डालोगे बीटा इज इक्वल टू डी बाय टू लैम्डा बाय डी, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा डांस करोगे आपका आंसर निकल आएगा। कोई डाउट है सर? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कोई भी डाउट है या अगर आपसे जो वो अपने कन्वर्जन जो है एंगस्ट्रॉम और मीटर और ये सब जो कन्वर्जन है वो अगर मैनेज नहीं हो रही तो नीचे सॉल्यूशन देख लीजिए, वो सॉल्यूशन मैं आपको अभी सेपरेटली भेज देता हूँ। फिर देख लीजिए इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड 1.5 मीटर अवे, ये डी है, टू स्लिट्स, ये स्मॉल डी है, इलिमिनेटेड बाय लैम्डा, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी सर। गुड आउट, ग्रीन लाइट, लैम्डा दिया हुआ है, नैरो स्लिट, ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर, 10 फ्रिंज की विड्थ 2 सेंटीमीटर है, तो एक फ्रिंज की जो विड्थ है वो कितनी होगी, 2/10 इज इक्वल टू 0.2, तो वो आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि जो बीटा है वो 0.2 सेंटीमीटर है। अरे मुझे कंफ्यूज नहीं हुई? गुड आउट, सॉरी, ओके। क्वेश्चन 5th भी ऐसा है, आप कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 6 पे आ जाइए, घबराना नहीं है। ये देखो लैम्डा दिया हुआ है, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इज विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, ये बीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ द अपैरेटस इज
इमर्ज देना लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी लैम्डा बाय डी। सो डू वी अग्री? अब याद रखिए सर, जो म्यू होता है वो रेशो ऑफ द वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ हमारी वैक्यूम में ज्यादा होती है और मीडियम में कम होती है। मेरी बात नहीं समझ आई सर? सर कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है ना, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि अगर मैं जो ऑपरेटर है उसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.2 में डाल दूं तो मेरी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो मेरा चेंज क्या होगा? मेरा चेंज होगा लैम्डा। लैम्डा कैसे चेंज होगा और कौन सा लैम्डा यूज करूंगा? मैं लैम्डा यूज करूंगा ये वाला लैम्डा डैश वाला, जो कि किसके इक्वल है, लैम्डा बाय म्यू के। सर नहीं समझ में आ रहा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा बाय म्यू के। नहीं समझ आ रहा सर? क्योंकि सर आप उस लिक्विड में जब जाएंगे, आप जब उस लिक्विड में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ये वाले लैम्डा के साथ। मेरी बात समझ आई? और उसने जो आपको, क्योंकि उसका लैम्डा चेंज होने वाला ना लिक्विड के अंदर जाके लाइट का, और उसका जो क्या नाम है इसका, उसका जो रिलेशन है वो ये है हमारा, ये वाला जो लैम्डा है ये वैक्यूम का है, और ये वाला जो है ये है उस लिक्विड का, और एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ लिक्विड के अंदर, तो लैम्डा मैं यूज करूंगा लिक्विड वाला, और लिक्विड का जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम अपॉन म्यू। सर कोई डाउट तो नहीं? ओके अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। टू स्लिट्स सेपरेटेड डिस्टेंस 0.03 mm, इंटरफेरेंस आपको 1.5 मीटर अवे। ये डी है, ये कैपिटल डी है, यहां तक तो इंफॉर्मेशन आ गई। फोर्थ ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, तो मेरा जो एक्सन है, एक्सन छोटा एक्सन, मेरा जो छोटा एक्सन मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ छोटा एक्सन, वो मैं डिफाइन करता हूँ ब्राइट। मेरी बात समझ आई? तो ये बोल रहा है फोर्थ ब्राइट, तो मैं बोलूंगा एक्स फोर। ये क्या होगा? फोर डी की वैल्यू है मेरे पास, लैम्डा तो मुझे निकालना है, डी की वैल्यू है मेरे पास, ये जो एक्स फोर है ये भी उसने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 cm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। बेटा बात नहीं समझ आ रही? हरियाणा जी कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखिए यहां पर आ जाएगा 1 cm, छोटा डी कितना है 0.03 mm, और बड़ा डी कितना है 1.5 मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट? तो ये न्यूमेरिकल्स करके ना यार आप जो कंसेप्ट है उससे आपका थोड़ा डर खत्म हो जाएगा, नहीं तो डरते रहोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मैं डेरिवेशन आपको करा रहा था, यही समझा रहा था कि डेरिवेशन ना भी समझाए तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर लेना। न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप वापस डेरिवेशन देखने जाओगे तो आप काफी चीजें समझ आएंगे। और इसमें जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो चैलेंज है वो चैलेंज सिर्फ ये है कि कन्वर्जन जो करनी होती है ना, ये एमएम एनएम एंगस्ट्रॉम, बस यही चैलेंज है और कोई चैलेंज नहीं है। देख लीजिए वाईडीएससी मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वाईडीएससी द टू स्लिट्स आर, ये आपको छोटा डी दिया हुआ है, इलिमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कितना है? ये स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, तो कैपिटल डी आपको कितना दिया हुआ है 1 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज एक्स टू निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज, उसका फॉर्मूला भी आपके पास है। नहीं समझ आया? ओके क्वेश्चन 9 देख लीजिए। वाईडीएससी रेड लाइट वेवलेंथ लैम्डा, टू स्लिट्स 0.33 mm अपार्ट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फाउंड टू बी 1.33, ये बीटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रिंज विड्थ इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड। निकालिए अपने आप। नहीं समझ आया सर? सेम से ये देख लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन 11। वाईडीएससी डिस्टेंस तो वाईडीएससी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1.6 मीटर यूजिंग वेवलेंथ लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड इज 16 mm। सर बात समझ आई? तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड इज 16 mm, तो आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स फोर इज इक्वल टू 4d लैम्डा बाय डी। अब ये आपको ये कह रहा है कि सर ऐसा है कि ये देखो ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा उसने लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लिखी है, बट ये फोर्थ ब्राइटनेस है यहाँ
और इसका जो डिस्टेंस है वो है 16 mm. तो 16 mm यहाँ डालिए, डी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, स्लिट सेपरेशन आपके पास आ जाएगी. श्रीमान को डाउट? नो डाउट. ओके, क्वेश्चन 12 देख लीजिए. YDSE light of wavelength इतना is used to get interference. The fringe width changes by 1.55 mm. So when the screen is brought towards the by 50 cm, calculate the distance between the slits. इसके लिए एक छोटा सा shortcut note कर लीजिए कि जो beta है वो है d lambda by d. थोड़ा सा ध्यान से देखिए, change क्या कर रहे हैं आप? Lambda तो constant है, lambda constant है, change क्या कर रहे हैं distance? और चेंज क्या हो रहा है? डेल्टा डी नहीं, जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो सेम है, और चेंज क्या हो रहा है? स्लिट विड्थ. भाई समझ आ रहा है आप यहाँ से बात करते जा रहा हूँ? देखिए फिर से देख लीजिए, वाई डी एस सी लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड तो टू गेट इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन. द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.55 mm. तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है इसलिए मैं डेल्टा बी लगा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.55 mm. When the screen is brought towards the double slit by 50 centimeter, दूसरा क्या चेंज हो रहा है? ये जो डिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेल्टा डी लिखा हुआ है. ये जो डेल्टा डी है ये है 50 सेंटीमीटर. मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लैम्डा है वो चेंज नहीं हो रहा, वो यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम जाएगा. और दूसरा क्या नहीं चेंज हो रहा? ये जो विड्थ है. तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करके आप डायरेक्टली ये वाला डी निकाल सकते हैं. मेरी बात समझ आ गई आपको? समझ गया. ओके, क्वेश्चन 14 देख लीजिए. इसके बाद ये 14, 15, 16, 17 थोड़े से इंटरेस्टिंग है. ये मैंने आपसे अभी नहीं कराया बट आपको ऐसा होमवर्क करना चाहिए. मैं समझा देता हूँ कैसे करना है. आपने सॉल्यूशंस नीचे दिए हैं. वाई डी एस सी इंटरफेरेंस आर ऑब्टेंड 0.75 अपार्ट. तो मतलब ये कैपिटल डी है. द थर्ड डार्क, थर्ड डार्क क्या होगी मेरी? एक्स थ्री एट अ डिस्टेंस 5.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज. ठीक है, तो एक्स थ्री की वैल्यू मेरे पास है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इफ टू स्लिट्स आर 0.15 mm अपार्ट. तो बीटा दिया हुआ है. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इफ द एंटायर, जब वो एंटायर वाला देता है तो आपने फॉर्मूला लगाना ये वाला, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा लिक्विड. तो बेसिकली यहां से आप वेवलेंथ निकालोगे, फर्स्ट पार्ट में आप वेवलेंथ निकालोगे, उसके बाद जो भी वेवलेंथ आपकी निकलेगी, जैसे कि इसने आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, ये आंसर डाल देना यहां पर. म्यू उसने दिया हुआ है 4/3, और आप निकालोगे क्या? लैम्डा लिक्विड. सर नहीं समझ में? तो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहा है थर्ड डार्क की. तो डार्क का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थ्री माइनस वन. एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 2n-1. एक बार देखिए, बताइए नोट्स क्या फॉर्मूला? 2n-1 डी लैम्डा बाय 2d. तो 3 to the 6 - 1, उसके बाद डी आपके पास है, लैम्डा निकालना है. 2 तो गिवन है और छोटा डी गिवन है. सर बात समझ आ रही? ये फॉर्मूले में डालोगे आपका आंसर निकल आएगा. ओके, क्वेश्चन 5 मिनट और बस. क्वेश्चन 15, वाई डी एस सी इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, ये कैपिटल डी. स्लिट सेपरेशन ये स्मॉल डी. इलिमिनेटेड बाय सोडियम ये लैम्डा. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन वन साइड, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर साइड. तो बेसिकली हमारे हिसाब से एक्स फोर यहाँ पर सेंटर ब्राइटनेस और एक्स थ्री फॉर्मूला लगा के ये आपको निकालना. बेटा कोई डाउट तो नहीं? डाउट सिंपल है वो, आपसे कोई कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्वेश्चन करना है. मेरी बात समझ आई? देखिए उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17, ये है पाथ डिफरेंस वाले क्वेश्चन. अमंग द इंटरफेरेंस लेट ए बी 54 डिग्री, इसमें जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे वो पाथ डिफरेंस वाला. कौन सा? डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी. मेरी बात समझ आई? और पाथ डिफरेंस में याद रखिए कि जो लैम्डा है वो 2π के इक्वल आता है. मेरी बात समझ आई? नहीं आई? तो क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17 अपने आप करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा और अगर ट्राई करने का मूड है, इसके सॉल्यूशंस नीचे नहीं है, मतलब PDF में आपको नहीं मिलेंगे, बट एक बार ट्राई कीजिए, शायद आपसे हो जाए तो बढ़िया है. कोई डाउट है तो मुझे पूछिए. 17 तो आपने करना ही है, 16, 17 और 18, 19, 20 अपने आप कीजिए. मेरी बात समझ आई? थोड़ा सा टफ है बट बाय द टाइम आपने ये 15-16 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद ये
18-19-20 के साथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, बात समझ आई? ठीक है सर, ओके ओके।